हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जल्दी कितनी जल्दी नहा लिया हूँ, नहा धो के बिल्कुल, अभी कितने बजे, 2:25, नहा धो के बिल्कुल सेट टू मैं, अभी निकल रहे हैं हम, अभी चल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, हमारी फ्लाइट है 5:25 की, तो अभी हम जा रहे हैं गोवा। अभी 5:25 की फ़्लाइट है, 2:25 हो गए हैं, तो अभी मैंने जाम देखा है खिड़की दौला टोल टैक्स के, वहाँ पे टोल टैक्स कह रहा हूँ एम्बियंस के, वहाँ पे बहुत लंबा जाम है, बहुत ही ट्रकों का जाम है। कैसे सोया पड़ा है, इसे कंबल उम्बल कुछ नहीं ओढ़ रखा। चल भाई चल, जल्दी चल, जल्दी खड़ा हो, ये बेहोश पड़ा है। कितने बज रहे, 2:28 हो रहे, बेहोश हुआ पड़ा है, अब इसको उठा रहे, तेनों कह रहे ऊबर कर लो ऊबर, तो अभी नीचे ये बैग लेके चलते हैं, जल्दी आ जान कि खड़ा हो जल्दी। कुछ नहीं मिला तो ये पी के चलेंगे, वो देखो उसकी इतनी नींद नहीं खुल रही है, अभी सोया हुआ है, अभी इसको पीते हैं और फिर चलते हैं। वो गाय स्ट्रोक, तो गाइस पापा जी और मम्मी जी अभी सो रहे हैं, तो उन्हें उठाएंगे नहीं, अभी इसी अंकित को उठाते हैं और फिर चल देते हैं। हाँ इसकी हालत देखना कितनी बुरी कर रखी इसने भाई, ये देख रहा अलग ही कलर दिख रहा होगा, वाइट और ये ब्लैक, इन गाड़ी चलाइए की करिए, ओ भाई ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों से धोई नहीं है बेचारी। बोनट वोनट वाइपर ही साफ, वाइपर ही चलाए इन्होंने, अलग ही दिख रहा है ये। कहाँ रही है, अरे यो बारिश में तो दोनों बैग नहीं आ रहे ना, इसको आगे रख दे, आगे वाली सीट पे नहीं आएंगे, इधर से लेफ्ट से। अरे क्यों चला गया ऊपर, ओए ये भी नहीं जा रहा। अभी आ गई बारिश, ये देख रहे हो आप कुछ छोटी छोटी बूंदे, बारिश की बूंदे हैं ये। इस गेट को खोलते हैं और चलते हैं, जय माता दी। हम लेके चल रहे शेर बन रहे हैं, चल दिए ना, भग लिए ना, लुई खोल दिया ना, भक्त नजर आएंगे सारे के सारे। मैं चलाऊं, हीटर बंद कर भाई इसके। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं, वहां से नहीं लिया यार, हम हाईवे से सोच रहे थे NH8 पे से, कि राजीव चौक से NH8 भाई, वहां बहुत जाम था, बहुत ज्यादा जाम, तो इस वजह से हमें गोल्फ कोर्स रोड पे लेना पड़ा। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा था, कहीं भी जाम नहीं मिलेगा, बस ये NH8 पे आते आपको सबसे ज्यादा जाम मिलेगा, कहीं आदमी नहीं दिखेगा, पर यहाँ 3 से 4 बजे कभी भी आ जाओ आपको ऐसा ही रोड मिलेगा। ये देखो अब भी जाम ही है, ट्रकों का जाम होता है ये, और खेड़ की टोल पे चले जाओगे तो वहाँ तो बुरा ही हाल मच रहा होगा इस टाइम। तो गाइस अगर हम यहाँ अपनी फॉर्चुनर लेकर आते ना, तो पक्का ये पुलिस वाले चेक जरूर करते। अभी तो हम इसको इसलिए लेकर आए हैं इसको, वो तो धूल में हुई पड़ी थी बेचारी। अब भाई अब चलते हैं सामान लेके, उसको अंदर वाले को भी निकाल दो ना, बच गया। अरे कहाँ टक गया, ये देख रहे हो आप, ये कितना कितना बचा। बाय बाय, पागल उत्तर लगे हुए, हम उधर की तरफ, अकेला काउंटर था उधर, उसमें जाके चेक इन कराया है। बस अब ये इमिग्रेशन चेक होएगा, हमारा सारा डन हो गया, सब कुछ फटाफट। हम तो यार भाई फास्ट बहुत ज़्यादा ना। तो भाई अब चलते हैं, ट्रिप शुरू हो गई अपनी ना। सारा कुछ हो गया, इमिग्रेशन चेक वगैरह सब चीज़ हो गया, अभी चलते हैं कुछ फ्रेश एंड हेल्दी कुछ खाते हैं, सुबह सुबह यार भूख लग रही है, कुछ खा के तो आए नहीं थे, तो अब खाते हैं, इससे पे देखते क्या है। चलेगी ये मशरूम, अनियन एंड चीज़ ले ले, या पनीर टिक्का ले ले,
गाइस अब चलते हैं भाई नीचे। ओ भाई हमारे गेट नंबर पे 21 है अपना, तो यहाँ देखते हैं कितनी भीड़ लग रही है। सब कुछ सब तो खा पी के दन है बिल्कुल। अब चलते हैं यार। कैसे देख रही है पब्लिक, पता नहीं मैंने ऐसे क्या कर दिया। गेट नंबर 21 यही है ना। हाँ इनका अरे बढ़िया ठंड हो रही भाई यहाँ तो। था तो गाइस अपनी बस आ गई है भाई, अब चलते हैं यार। चढ़ ले लपक ले इसमें, खोले को ना खोले को VIPM तो हमारे लिए खोल दी इन्होंने। ऊपर बैठ जाते हैं यहाँ। आ जा भाई हम अपने सारे हवाई जहाज सब देखते रहो और बैठे रहो, मौज लो जीवन के। अब दरवाजा जितनी बार खुलेगा उतनी बार हवा आएगी। तो हम पहुँच लिए हैं भैया ऊपर को। ऐसा रास्ता भूल गया, इधर से उधर घुमाए जा रहा है हमें, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा जी। सारे खड़े कर रखे बेचारे, इतनी देर से घुमा ही रहा है ये, रास्ता भूल गया ये भी। नकली ड्राइवर, बस ड्राइवर देखना बेचारे कितने शांत खड़े हैं। एक के ऊपर तो पन्नी लगी बड़ी ढंग से, सुवा रखे सारे के सारे को। फाइनली उतर गए हैं। ये ड्राइवर नकली ड्राइवर है, इसको ना रास्ता पता ना कुछ पता, अगला चल दिया मुंह उठाए के, भूल गया सारा रास्ता। लोग पहले पहुंच गए, ये लेट आया है। तो अभी चल रहे सब ऊपर, हम भी चलते हैं। हमारी हर बार यहीं की सीट आती है यार, मतलब है अभी तो वो बोलना शुरू करेगी, उसके बाद ये फ्लाइट कहीं जाके उड़ेगी। उड़ान के दौरान कुर्सी की ब्रीथिंग बाधित है। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपनी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करें। भाई अपनी फ्लाइट उड़ ली है, चल दी है, उड़ने लगी देखो। ऑक्सीजन मास्क बाहर आ गए हैं। ये नया एयरपोर्ट है देखो, बिल्कुल अभी बन ही रहा है ये तो। यहाँ तो गर्मी है यार बहुत ज्यादा, किसी का प्राइवेट जेट है। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा भाई सच में, अपने वहीं ठंडा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर, सब गर्मी हुई पड़ी है यहाँ तो। फाइनली गोवा में, ओल्ड इन गोवा। इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना रखा, पर यहाँ तो भीड़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। मैं तो सोचता था यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, भीड़ मिले। खाली पड़ा है पूरा एयरपोर्ट, बिल्कुल खाली है। तो अभी देखते यार अपना बैग कलेक्ट करते यार, फिर चलते यार यहाँ से। आएगा अभी यहाँ पे इस बेल्ट पे। आ रहे हैं ना, आ जाएगा थोड़ी देर में। क्या हो गया, एयरपोर्ट सही बना रखा है इन्हें, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखिए स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बता यार हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे तो नहीं देते ऐसे यार, देख रहे हो आप। हमारे दिल्ली में तो ये पैर रखने की जगह नहीं मिलती, यहाँ तो खाली खाली पड़ा, कोई परिंदा पर नहीं मार रहा। अभी हमारी फ्लाइट उतरी है तो हम ही सब दिख रहे हैं यहाँ पे, और कोई है ही नहीं। देखो ये कितनी सही चीज़ बना रखी है, ये तो मेरे को अच्छा लगा यार। पर अपने बैग कब आएंगे भाई, कहाँ से निकलेंगे, इसी बेल्ट से तो आते हैं।
कैसा आएगा बैग, आपके बैग कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, सेफ है यार, इतना तो कष्ट देना ही पड़ता है बैगों को ना। तो गाइस फाइनली हम आ गए, सब कुछ चेकिंग करा के सब चीज। हाँ अब चलते हैं, टैक्सी वाला हमारा वेट कर रहा है, पता नहीं कहाँ पे खड़ा है, क्या है मेरे को भी नहीं पता, पता नहीं कह रहा है बस के पीछे खड़ा हूँ, बस के पीछे खड़ा हूँ। ये बस तो नहीं है शायद से, शायद यही बस है। ये कितनी सही चीज़ बना रखी है यार, एयरपोर्ट गजब बनाया है, नया नया बिल्कुल ना, नई चीज़ तो यार सब चीज़ बढ़िया बनती है यहाँ पे, कहीं भी कुछ भी चीज़ बनेगी